अथर्व फाउंडेशन और अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स, इसके माध्यम से खादी महोत्सव 2 का आयोजन हमने किया था, जिसका उद्घाटन हमने कल किया। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से, उनकी प्रेरणा से, और उन्होंने इस देश के आज की आधुनिक पीढ़ी को लगातार ये संदेश भी दिया, और ये उन्होंने कहा भी कि खादी का प्रचार और प्रसार अपने देश में करना चाहिए। और उनकी भाषण के पश्चात मैंने उनसे प्रेरणा ली, और पिछले साल भी खादी महोत्सव 1 का आयोजन हमने किया, जहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्व का ऐसा ये पर्व है, जिसमें संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करते हुए उसको लोगों के सामने रखना, और हाथमाग से बुने हुए कारागीर और हस्तकला से बने हुए कपड़े से लेके आभूषणों तक अलग अलग वस्तुएं बनाने वाली हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी भी खादी से लगाव रखती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि खादी का पहराव हर एक के घर में होना चाहिए, और आधुनिक पीढ़ी अगर उससे प्रेरित होती है और अलग अलग आभूषणों के साथ साथ अलग अलग कपड़े बनाती है, और ये कपड़ों को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के फैशन शो के माध्यम से लोगों के सामने लाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की आधुनिक पीढ़ी जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, खादी के कपड़ों के ऊपर काम करना चाहती है, खादी के अलग अलग वस्तुएं बनाना चाहती है, तो उनको अगर हम एक मार्केट, जिसको कहते हैं कि मार्केट के बिना आज की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो एक अच्छा मार्केट, आज अगर आपने देखा होगा तो खादी महोत्सव 2 में करीबन 100 के ऊपर के स्टॉल हैं। पूरे भारत भर से लोग अपने अपनी कलाकृति को अपने लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम करने वाली हमारी अथर्व फाउंडेशन की टीम, जो बहुत ही मेहनत करती है, परिश्रम करती है और लगन से ये कार्यक्रम लोगों के सामने रखती है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। दूसरा साल है, जनता का किस तरह का प्रतिसाद मिला और आगे किस तरह का? जनता का प्रतिसाद तो बहुत ही महत्व रखता है, और मैं उसके लिए बोरीवली के सभी नागरिकों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। बोरीवली नहीं बल्कि पूरे मुंबई से लोग आते हैं, लेकिन बोरीवली करों का धन्यवाद इसके लिए करता हूँ कि ये कार्यक्रम, जैसे खादी की पहचान बोरीवली में पहले से है, कोरा केंद्र ट्रस्ट यहाँ पर बसा हुआ है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यहाँ पर है, और इसके लिए खादी बोरीवली में बहुत पहले ज़माने से वापर में आती है या वापर जाती है, और इसके लिए कल का कार्यक्रम आखिरी दिन है, आखिरी दिन में बहुत सारे लोग आएंगे, हज़ारों की तादाद में आज लोग आए थे, और लोगों ने जो कपड़े बनाए, लोगों ने जो वस्त्र बनाए, लोगों ने जो कपड़े लाए थे, आज उनकी बिक्री भी रिकॉर्ड ब्रेक हुई है, और इसके लिए मुझे लगता है कि खादी महोत्सव 2 का आयोजन अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से जो हुआ है, उससे लोगों को भी लाभ मिला है, स्टॉल धारक जो है, जो छोटे उद्योजक है, उनको भी सही मायने में एक मौका मिला। मैंने खुद रैंप वॉक किया प्रोत्साहन देने के लिए हमारी टीम को, क्योंकि अथर्व फाउंडेशन की टीम और अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैंने, और ऑफकोर्स जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ बरेली में, अपने जो विधायक हैं श्री सुनील जी रानी और अध्यक्ष हैं अथर्व फाउंडेशन के, बहुत मेहनत लेते हैं ताकि अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो बोरीवली में। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक करते हैं, डिफेंस एग्जीबिशन से लेके रंगरात्रि तक जो गरबा का कार्यक्रम था, और खेल महोत्सव से लेके अभी ये फैशन शो, बस उसमें सब लोगों को शामिल करने के लिए मैंने भी ये अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई आज। अभी महिला पीछे नहीं रही है, तो महिला सशक्तिकरण पर इतना मैं जोर नहीं देना चाहती, क्योंकि अपने हाथ में है। अगर आप खुद को कम महसूस करते हो तो वैसा अनुभव आएगा जब आप समझती हैं कि हाँ, मुझ में कुछ क्वालिटीज़ हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वो कर सकती हैं। आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, मगर हाँ, कई कई जगह ऐसे
ऐसी भी जगह है और मेरा जो कार्यक्रम है ऑल प्ले और कार्निवल ऑफ जॉय उसके वजह से ही शुरू हुआ एक ड्रामा थिएटर वर्कशॉप जो मैं रूरल और ट्राइबल बच्चों के लिए करने लगी। मैंने देखा एक कुटुंब में 8 बच्चियाँ और 3 बच्चे 8 डॉटर्स एंड 3 सन्स कोई भी स्कूल नहीं जा रहा था। तब मुझे कहीं जाकर दुख होता है कि अपनी ज़िंदगी भी इतनी बर्बाद होने ना दीजिए, जो भी क्वालिटीज़ है बाहर दुनिया में आने दीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। इसकी संकल्पना स्कूल आने चाहिए है, लगातार 25 साल से गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं सामाजिक कार्य में, उनके राजकीय व्यस्त जीवन में से टाइम निकाल के सामाजिक कार्य में हमको भी इन्वॉल्व करते हैं, प्रेरित करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें भी आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।